चलो देखो क्या बोल रहा है। पी ओ क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू एक लाइन है, ठीक है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ये ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू को, ठीक है। ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर, ओ एस कुछ ऐसा है। प्रूव दैट एंगल आर ओ एस, आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो पहले गिवन में लिखो फटाफट, गिवन में लिख लो फटाफट ये पूरा लाइन इन द गिवन फिगर, जो भी कुछ दे रखा है क्वेश्चन में सबको लिख डालो, लिखो गिवन खुद से लिखो। ठीक है लिख लिया गिवेन। टू प्रूफ भी लिख लो, टू प्रूफ क्या करना है तो एंगल आर ओ एस, टू प्रूफ एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। इसको आज ही याद कर लेना, बाद के लिए मत छोड़ना, इसको बाद में याद करेंगे। ये क्वेश्चन रट जाना है कि ऐसे ही बनता है, ठीक है। क्या करना है इसको रट जाना है, अब ध्यान दो प्रूफ में आते हैं। देखो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस मिलके कितना देगा, 90 डिग्री देगा। ये दोनों एंगल मिलके 90 देगा ना, बताओ। हेलो यस सर। बोलते चलो, ठीक है। दूसरा एंगल पी ओ एस और एंगल क्यू ओ एस ये दोनों मिलके कितना देगा बताओ। पी ओ एस और क्यू ओ एस ये दोनों कितना दे देगा मिलकर के, अरे बोलो। पी ओ एस ये एंगल है, क्यू ओ एस ये है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 180 180। पता नहीं चल रहा है तुम लोग को, हाँ बाकी लोग को। सर। अब देखो इन दोनों में क्या करना है, हो गया ये चीज लिख लेना था, उसके बाद तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, कोई झंझट हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं पी ओ एस प्लस क्यू ओ एस ट्वाइस ऑफ आर ओ एस प्लस पी ओ एस, सोच समझ के बता रहा। आर ओ एस प्लस पी ओ एस कितना देगा ऐड करेंगे तो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90 डिग्री देगा। आर ओ एस एंगल आर ओ एस और एंगल पी ओ एस करेंगे तो 90 मिलेगा ना जी, तो हम इसको ट्वाइस ऑफ ये नहीं लिख सकते, यहाँ पे 90 आएगा कि नहीं आएगा, तो 90 × 2 180 मिल जाएगा ना, तो हम ये रिप्लेस किए हैं वहाँ पे, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर ओ एस प्लस ट्वाइस ऑफ पी ओ एस, पी ओ एस को इधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, पी ओ एस माइनस ट्वाइस ऑफ पी ओ एस प्लस क्यू ओ एस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर ओ एस। यहाँ से पी ओ एस माइनस ट्वाइस ऑफ पी ओ एस, तो ये दे देगा ना माइनस पी ओ एस और प्लस क्यू ओ एस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर ओ एस, तो आर ओ एस यहाँ से क्या हो जाएगा
टू इधर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा ना, इसको अरेंज करके लिख दे रहे हैं। यहाँ से आर ओ एच क्या हो जाएगा, वन बाई टू क्यू ओ एच माइनस थ्री। देखो इसमें समझने के लिए बस ये तीन लाइन था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर ये तीनों लाइन समझ में आ गया तो बाकी तो फिर मैथमेटिक्स है। एक बार देखो और बताओ कहीं दिक्कत है तो फिर से पूछ लो। सर वो सेकेंड इक्वेशन की जगह लिख नहीं सकते एंगल क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री? फिर से बोलो कहाँ पे, जैसे सेकेंड इक्वेशन में एंगल पी ओ एस प्लस क्यू ओ एस इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखे, वैसे ही एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री हो सकता है? क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस, क्यू ओ एस में से आर ओ एस जाएगा तो ये 90 डिग्री बचेगा। हाँ लिख सकते हैं, तो वहां से ये प्रूविंग हो जाएगा। चलिए ये यस बताओ, सर। अच्छा तुम वैसे ही प्रूफ किए क्या? यस सर। ठीक है वैसे भी कर सकते हो, इसको प्रूफ करने का दो तरीका है, जो तुमको आसान लगे उससे प्रूफ कर लो। एक क्या होता है, एक एक तो इक्वेशन ये लिखना ही है ना, इक्वल टू 90 डिग्री, और दूसरा इक्वेशन में बस ये लिख देना है कि हम क्यू ओ एस में से क्या करेंगे, आर ओ एस करेंगे, तो 90 डिग्री मिल जाएगा, क्योंकि क्यू ओ आर है, क्यू ओ आर कितना है 90 डिग्री है, और यहाँ से एल एच एस आर एच एस इसका भी 90 के बराबर, ये भी 90 के बराबर, तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, होगा ना? देखो जरा ये और भी आसान है। चलो बहुत बढ़िया, ये बहुत आसान है। अब यहाँ से ये आर ओ एस को इधर भेज दो और पी ओ एस को उधर भेज दो, तो आर ओ एस प्लस आर ओ एस इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। समझ में आया ये वाला? ये और भी आसान है, ये कम लाइन में हो जाएगा। बताओ सब कोई बोलो, पहली आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा, इसे रिजॉइन करो। सर समझ आ गया। ठीक है, तो दोनों में से जो मेथड आपको आसान लगे उसको अप्लाई करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इस एक्सरसाइज का सामना कर लो, इसको बनाते रहना। बाकी इसमें अभी तक कहीं दिक्कत किसी को, क्वेश्चन नंबर 5, 6 भी आसान है, 6 आराम से बना लेना, हम दिए नहीं थे लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन आराम से बना सकते। 6 में क्या होगा, देखो इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री एंड एक्स वाई प्रोड्यूस पॉइंट, इसका डायग्राम है क्या? नहीं है। एंगल एक्स वाई जेड दे रखा है तुमको 64, एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्रोड्यूस पॉइंट पी, ड्रॉ फिगर, फिगर ड्रॉ हो गया। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, एक वाई क्यू ये है, ये इसको बाइसेक्ट किया इस एंगल को, तुम्हारा 64 ये डिग्री दे रखा है, तो जेड वाई पी और एक्स वाई क्यू सब नहीं निकल जाएगा, जेड वाई पी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 64 हो जाएगा ना जेड वाई पी, बताओ बोलो। सर 116 होगा, 116 होगा, क्या हो गया तुम लोग, आज किस स्थान पड़ गया है, साथ में पढ़ो मेरे क्लास में, नहीं समझ में आया तो नहीं बोला करो, 116 हो जाएगा ये, तो तुम्हारा अब इसमें जेड वाई पी निकल गया, एक्स वाई क्यू निकालना है, तो एक्स वाई क्यू कैसे निकलेगा बताओ कोई, ये पूरा 116 है, आगे का तुमको बताना, इसका आंसर और इसका आंसर। सोच समझ के जवाब देना। बाइसेक्ट मतलब पता है सबको क्या होता है, बाइसेक्ट मतलब हाफ पार्ट में डिवाइड, हाफ पार्ट में डिवाइड, तो ये जो वाई क्यू लाइन है इस एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो ये 116 है पूरा एंगल, तो क्या क्या हो जाएगा, 116 बाई 2 कर लो, 58 58, ये 58 हो जाएगा और ये भी 58 हो जाएगा, तो एक्स वाई क्यू निकल गया, जेड वाई पी निकल गया, तुमको एक्स वाई क्यू निकालना है, तो एक्स वाई क्यू कितना हो जाएगा, 64 प्लस 68 प्लस 64
ठीक है, और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी क्या होगा बताओ फिर? रिफ्लेक्स एंगल पता है क्या होता है? यस सर, मोर देन 180। तो इसका आंसर क्या होगा क्यू बाई पी का, जवाब दीजिए। हाँ जी सहेली, आवाज आ रहा है तुमको अब? सहेली सहेली 9F, सहेली 46। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, फिर से ज्वाइन करो। देखो माइक वाइक खराब हो गया है लगता है, फोन पर आ रहा है आवाज। हाँ आना शुरू हुआ। बताओ रिफ्लेक्स क्यू वाई पी कोई तो बता दो। 64 पहले रिफ्लेक्स का 180 प्लस 58 होगा। 180 प्लस 58। देखो एक एग्जांपल देते हैं। है रिफ्लेक्स का क्वेश्चन, चलो ठीक है रिफ्लेक्स से रहने दो, हम इसको बहुत सारा क्वेश्चन करा देंगे, रहने दो इसको ठीक है। बाकी इसके बाद अब तुमको जानना है पैरेलल लाइन के बारे में। किसके बारे में? पैरेलल लाइन के बारे में। तो पैरेलल लाइन के बारे में जानने से पहले कुछ कुछ लाइन का हमको डेफिनेशन जानना है या मतलब बताना है तो बताना। तो एक करके अच्छा एक चीज बताओ, पैरेलल लाइन नहीं जान रहे, कुछ लाइन का हम डेफिनेशन पूछ रहे हैं वो कुछ बताना। ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में बताएगा तू क्या होता है बताओ? ट्रांसवर्सल लाइन हिंदी में समझा दो, इंग्लिश में हमको नहीं चाहिए डेफिनेशन। स्ट्रेट लाइन कटिंग टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस को कट करता है लाइन, इसी को ट्रांसवर्सल कहते हैं। और अगर दो पैरेलल लाइन नहीं है, ऐसा लाइन है अगर ये कट कर रहा है तो इसको ट्रांसवर्सल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन होगा, ये याद रखो सब कुछ। ये खामियां है, बताई नहीं जाती है तुम लोग कोई डेफिनेशन अच्छे से। ट्रांसवर्सल लाइन इज अ लाइन, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ पैरेलल लाइन नहीं हो, दो नॉन पैरेलल लाइंस में भी अगर इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइन तो इसको हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे। समझ में आया? तो कभी भी डेफिनेशन में आप ये नहीं यूज करोगे कि अ लाइन विच कटिंग टू पैरेलल लाइन। क्लियर है ये चीज सबको? बताओ बोलो ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन का डेफिनेशन नहीं लिख रहे, बस हम आइडिया देते चल रहे। जैसे हम एक डायग्राम, ये हो गया ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, तो कोई भी दो लाइन को या तीन लाइन भी हो या चार लाइन भी हो और इन चारों को एक लाइन अगर कट करे तो भी ये क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्सल ही कहलाता है ठीक है। कभी दो लाइन मेंशन मत करना और कभी पैरेलल मेंशन मत करना ठीक है। सेकंड, तुमने को इंटीरियर एंगल के बारे में सुना होगा या कंसेक्यूट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में सुने हो ना? बताओ। यस सर। क्या सुने हो अब तक तुम बताओ? सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एक दूसरे के अपोजिट रहेगा और इक्वल रहेगा। चलो देखो समझो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। चलो पैरेलल की ही बात करें जो तुम अब तक जानते हो उस पे ही हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे दो ट्रांसवर्सल है, दो सॉरी पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल आया, ये एंगल वन और एंगल थ्री ये टू, क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है बताओ? एंगल वन और एंगल टू ही ना कॉरस्पॉन्डिंग कहते थे। यस सर। ठीक है तो हमको अब ये बताओ क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होगा? हाँ हाँ ठीक है।
क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सिर्फ दो पैरेलल लाइन के लिए एग्जिस्ट करेगा या नॉन पैरेलल में भी एग्जिस्ट करेगा? पैरेलल पे ही। पैरेलल पे ही। और कोई टिप्पणी करो कोई? देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जरूरी नहीं सिर्फ पैरेलल में ही एग्जिस्ट करे, ये सब चीज बहुत कॉमन सी बात है जो आप पता होना चाहिए तुमको। हम सारे एंगल की बात कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग जो तुम पढ़े हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में भी पढ़ा है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या पढ़े हो अब तक? कि पैरेलल लाइन रहता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, पढ़े हो ना? हाँ ना, मैं जवाब देते चलो। अब yes, कब इक्वल नहीं होता है, कहाँ पे आता है नहीं आता है, वो हम बताएंगे। अब इन सब के बारे में जानो। देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का डिफिनेशन यही कहता है, क्या कहता है, तो दो लाइन, ये कहीं मेंशन नहीं करेगा कि पैरेलल हो या नॉन पैरेलल हो, दो लाइन, ठीक है, दो लाइन को एक तीसरा लाइन अगर कट कर रहा है, ठीक है, दो लाइन को तीसरा लाइन अगर कट कर रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों लाइन के सेम साइड बनता है, ठीक है, दोनों लाइन और ट्रांसवर्सल के सेम साइड बनता है। फिर से समझो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जैसे ये दोनों लाइन है उसका सेम साइड आइदर ऊपर बनेगा, ठीक है, ये कहलाएगा तुम्हारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों इक्वल नहीं होता है, ये दोनों इक्वल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये दोनों इक्वल हो गया तो लाइन क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। ये समझो, देखो पैरेलल लाइन पहले एग्जिस्ट नहीं किया था, पहले एग्जिस्ट किया था दो लाइन, दो लाइन हमको पहले पता चला कि कोई दो लाइन है कहीं कट कर रहा है, ठीक है, ऐसा कट करता है, क्लियर, और एक ये लाइन आया तो इसको नाम दे दिया है कि ट्रांसवर्सल होता है, और सेम साइड में जो एंगल बना उसको कॉरस्पॉन्डिंग नाम दे दिया गया। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट में चेक किया गया कि जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, किसी भी केस में जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो गया तो लाइन खुद ब खुद क्या हो गया, दोनों पैरेलल हो गया। बात समझ में आया सबको? तो फिर से बताए, बोलो, नहीं आया या आया? आया सर। यस सर। तो कभी ये मत बोलना कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइन में एग्जिस्ट करता है, नॉन पैरेलल में भी एग्जिस्ट करता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, लेकिन नॉन पैरेलल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अनइक्वल होता है। नॉन पैरेलल लाइन के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ये दोनों एंगल अनइक्वल होता है, लेकिन जैसे ही दोनों कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो गया तो दोनों नॉन पैरेलल लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन बन जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत, बताओ? नो सर। नहीं ना, अल्टरनेट इंटीरियर भी हर जगह एग्जिस्ट करता है नॉन पैरेलल लाइन में भी, जैसे इस डायग्राम के लिए देखो तो, क्या इसको और इसको अल्टरनेट नहीं बोलेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, लेकिन इक्वल नहीं है, ठीक है। नॉन पैरेलल में भी सारा लाइन सारा एंगल होता है, अल्टरनेट होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। जैसे पैरेलल में इन दोनों को को इंटीरियर बोलते थे ना, बोलते हो ना, बताओ, और इन दोनों का सम हमेशा 180 आता था, पता है सबको? यस सर। हाँ, तो उसी तरीके से पैरेलल नॉन पैरेलल में भी को इंटीरियर एंगल होता है, लेकिन यहाँ पे सम 180 से ज्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है, 180 से आगे निकल जाता है। एक साइड 180 से ज्यादा होगा और एक साइड 180 से कम होगा, ये चीज हम बताए भी थे, याद करो यूक्लिड में किधर लाइन मीट करता है, जिधर 180 से कम जाता था एंगल, याद है, बताए थे ना यूक्लिड में? यस सर। ठीक है, तो हर एक केस में एग्जिस्ट करता है, को इंटीरियर भी एग्जिस्ट करता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी एग्जिस्ट करता है, और अल्टरनेट में भी एग्जिस्ट करता है। बट डिफरेंसेस क्या आता है, तो पैरेलल लाइन के केस में अल्टरनेट इक्वल हो जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाता है, और को इंटीरियर एंगल का सम क्या हो जाता है, 180 हो जाता है। लेकिन नॉन पैरेलल लाइन के केस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अनइक्वल रहता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होता है, और को इंटीरियर का सम 180 डिग्री से ज्यादा होता है एक साइड, और दूसरे साइड 180 से कम हो जाता है। कम किस तरफ होता है, तो जिस तरफ तुमको लाइन दिखे मीट करता हुआ,
इधर ही 180 से कम होगा, हम बताएंगे ये चीज। कहीं दिक्कत किसी को इन चारों के डेफिनेशन में? डेफिनेशन नहीं पूछेगा लेकिन समझ में आया ना सबको, बताओ किसी को डाउट है तो आज पूछ लो, पूछो पूछो, क्योंकि अब इसके थ्योरम सारा करवाएंगे हमने। नो सर, नो डाउट। तो आप भूल से भी मत बोलना कि कंसेक्यूटिव एंगल क्या होता है। कंसेक्यूटिव एंगल क्या होता था? कोइंटीरियर कोरस्पोंडिंग को ही कंसेक्यूटिव एंगल बोलते थे ना? या कंसेक्यूटिव? नहीं नहीं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर ही होता तो था। अरे वही है, कोरस्पोंडिंग को ही कंसेक्यूटिव एंगल बोलते थे। कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर, कंसेक्यूटिव एंगल, एक मिनट, ये तुम बोलना चाह रही है? यस सर। तो बताते हैं हमको कॉरेस्पॉन्डिंग तो उसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव। एक होता है ना दिमाग से स्लिप करना, वो हो रहा है लगता है, बस दो मिनट में बता रहे। कंसेक्यूटिव एंगल ना दो लगातार एंगल को बोला जाता है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल ऐसा होता है। हाँ, जो को इंटीरियर होता है ना उसी को कंसेक्यूटिव बोलते हैं। जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, समझ में आया? यस सर। ठीक है, उसी को बोलते हैं कंसेक्यूटिव एंगल। और कोई दिक्कत? कंसेक्यूटिव बोलो या को इंटीरियर बोलो, बात बराबर होता है। और पूछो, यहाँ पे तुम दोनों डाल सकते हो। किसी को और डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि फिर थ्योरम का प्रूफ शुरू करेंगे। देख लो अच्छे से सारा डेफिनेशन, सब सब कुछ। ठीक है, तो शुरू करें सारा प्रूफ। बताओ समझ में आया सबको? शैली, प्रियांशी, ऋषभ, समझ में आ रहा है जी कुछ क्वेश्चन तो? कभी आता है कभी नहीं आता है। शैली, अरे हाथ उठा दो, मैसेज कर दो, अगर आवाज नहीं आ रहा तो, तुम्हारा नहीं सुन पा रहे तो चैट में मैसेज डाल दो। आयुष, आयुषी, यस सर, समझ आ रहा है। चलो तो अब एक एक करके इसके प्रूफ को देखते हैं। ठीक है, इसमें पहला चारों हो गया था ना, 1, 2, 3 और 4। बताओ बोलेगा कुछ? क्या हो गया तुम लोग को, नहीं पल्ले पड़ रहा है? पढ़ रहा है सर। ठीक है, एक एक करके सारे थ्योरम को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्या है? थ्योरम रिलेटेड विथ पैरेलल लाइंस में सबसे पहला है कि अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर आर इक्वल। कुछ कुछ का एक्सियम होता है, कुछ कुछ को प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है इसको नहीं प्रूफ किया जाता है। ठीक है, बताओ चलो देखो।
कोरस्पॉन्डिंग तो प्रूफ नहीं होता है, ये एक्सियम में काउंट होता है, ठीक है। तो एक एक करके सब देखते हैं। सबसे पहला है अल्टरनेट इंटीरियर, जो हम लोग पढ़े अभी तक, इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है उसको समझो ध्यान से। कितने को आता है बोलो सर, बता दीजिए। किसी को नहीं? चलो गिवन में लिखो, ठीक है समझो। गिवन में लिखो ए बी सी डी, इसको एल वन मान लेते हैं। ए बी एंड सी डी छापते चलो, जहाँ रुकने बोलेंगे रुक जाओ। टू पैरेलल लाइन एंड लाइन एल वन इंटरसेक्ट ए बी एंड सी डी एट पॉइंट, कुछ पॉइंट ले लेते हैं, लेट से एल एंड एम। ए बी पे एल पे कर रहा है, ये एम पे कर रहा है, एल एंड एम रेस्पेक्टिवली। आज सिर्फ सारे थ्योरम का प्रूफ होगा, समझते चलना, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कशन आएगा, ठीक है। ये हो गया गिवन में प्रूफ। देखो पहले क्या प्रूफ करना है वो लिख लो। प्रूफ अल्टरनेट इक्वल करना है, यानी ये एंगल वन एंगल टू के बराबर करना है, ठीक है, और एंगल थ्री एंगल फोर के बराबर करना है। तो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू एंड एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर करना है। लिख लिया प्रूफ। देखो बहुत ही आसान है, अपने को पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। बाकी भी एंगल हम मार्क कर दे रहे हैं, एंगल फाइव एंगल सिक्स एंगल सेवन या एंगल एट, ये एंगल क्या एट, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान देना, हमको एंगल वन और टू इक्वल करना है ना, बताओ ध्यान दो। यस सर। एंगल सिक्स और एंगल वन इक्वल होगा क्या वर्टिकल अपोजिट से, बोलो। यस सर। एंड इसको इक्वेशन वन कर लो, एंगल सिक्स एंड एंगल टू इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, बताओ बोलो। यस सर। इसको इक्वेशन टू देखो, पहला और दूसरा इक्वेशन से वन एंड टू नहीं आ गया इक्वल, बताओ हो जाएगा, समझ में आया सबको? यस सर। किसी को डाउट है तो पूछो। किसी को डाउट तो पूछ लो। नो सर। नहीं है तो आगे बढ़े, यहाँ पे लिख लेना हैंड प्रूफ। नेक्स्ट स्टेप चले, नेक्स्ट है तुम्हारा कन्वर्ज ऑफ थ्योरम वाली। नेक्स्ट उसका कन्वर्ज है, इसमें पैरेलल दिया नहीं है, इसमें पैरेलल प्रूफ करना है। आज सारा थ्योरम कर लेंगे।
चलो लिखते चलो, कहीं पे भी डाउट हो पूछते चलना। दूसरा क्या है, पहले का कन्वर्ज। पहला में तुमको पैरेलल दिया था, दूसरे में पैरेलल करना है। अच्छा एक चीज और जानो, कभी भी तुमको पैरेलल प्रूफ करना है ना, तो कोशिश करना कैसे भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दो। अगर तुम्हारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता आ गया, तुम उस लाइन को क्या बोलोगे, पैरेलल बोलोगे। कहीं भी तुमसे क्वेश्चन पूछे, अल्टरनेट तुमसे नहीं हो पा रहा है चलेगा, को इंटीरियर 180 नहीं हो रहा है या कंसेक्यूटिव 180 नहीं ला पा रहे हो, वो भी चलेगा। लेकिन अगर कंसेक्यूटिव ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दिया तो लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। तो इसमें भी हम दो दो लाइन ड्रॉ करते हैं, कोशिश उसमें कोशिश करेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को किसी भी तरीके से इक्वल कर दे। ठीक है, जैसे एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया और ये ट्रांसवर्सल हो गया। देखो इसमें पहले से क्या दे रखा है, अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल दे रखा है, बताओ दे रखा है ना। तो एंगल वन, अरे एक्टिव रहो जी, अभी पहला ही प्रूविंग के क्लास में ऐसा हो जाएगा तब तो हो गया तुम लोग का ज्योमेट्री का सत्यानाश। सर समझ आ रहा है, अभी तो लंबा चलना है ज्योमेट्री, अब 5-6, 2-3 महीने तक लगातार। ठीक है, गिवन में लिख लो फटाफट, गिवन में लिख लो, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट लाइन नाम लिख देना सबका, ये एल वन, ट्रांसवर्सल एल वन इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट लाइन ए बी एंड सी डी एट पॉइंट, दो पॉइंट दे देते, इसमें भी एल एंड एम, ये एल हो जाएगा और ये एम हो जाएगा, एट पॉइंट एल एंड एम, सच दैट अल्टरनेट इंटीरियर क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, सच दैट एंगल 3 = एंगल 7 एंड एंगल 4 = एंगल 5। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट तो पूछो। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ए बी पैरेलल सी डी, क्या करना है प्रूव, ए बी और सी डी क्या होगा, दो पैरेलल लाइन होगा, ये हमको प्रूव करके लाना है। चलो देखो प्रूफ, देखो बहुत छोटा छोटा प्रूफ है इन सबका, बहुत छोटा छोटा। एंगल 3 और एंगल 7 क्या दे रखा है तुमको, पहले से इक्वल दिया है, दिया है ना, एंगल 3 एंगल 7 पहले से इक्वल गिवन है, इसको इक्वेशन 1। एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल होगा वर्टिकल अपोजिट से, यस सर, हेलो हेलो सर, आपका आवाज, मेरा आवाज आ रहा है, अभी आ रहा है, लाइट चला गया है, एक मिनट फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। आवाज आ रहा है ना, आवाज आ रहा होगा, स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा। यस सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा।
लाइन पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे नीचे मेंशन कर देना दैट पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसलिए दोनों लाइन क्या हो जाएगा, ये भी पैरेलल टू ये भी। समझ में आया सबको? एंड डाउट? नो सर। इसको डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर थर्ड नंबर थ्योरम पे मूव करेंगे। देखो तीसरा है, तीसरा इसमें है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। जो पढ़ते आए हो कोइंटीरियर, कोइंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 पढ़े हो ना, उसी चीज को हम लोग प्रूव करेंगे। ध्यान दे रहा चलो समझे, गिवन में लिखो फटाफट, गिवन में फिर से ये लिख लेना कि ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट लाइन वन एल वन इंटरसेक्ट ए बी एंड सी डी एट एल एंड एम। ठीक है, गिवन में वो खुद से मेंशन कर लेना, हमको यहाँ पे को इंटीरियर एंगल का सम 180 प्रूव करना है। गिवन खुद से लिख लेना, इसमें हम नहीं लिख रहे, ठीक है, लिख लोगे ना। इसमें टू प्रूव, क्या प्रूव करके लाना है, मार्क तो एंगल तो मार्क करना ही पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये एंगल 8। इसमें मेरे को प्रूव करना है एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3 और 5 दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, ये 3 हो गया और ये एंगल 5 हो गया, ये दोनों का सम 180 होता है, ये प्रूव करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसको प्रूव कैसे करेंगे उसको देखो। देखो एंगल वन प्रूफ करेंगे, एंगल वन प्लस एंगल थ्री कितना देगा बताओ तुम लोग, तुम्हें लोग को बताना है कितना बैठा है। 180 डिग्री देगा। रीजन क्या लिख देंगे, लीनियर पेयर। रीजन क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा। अब देखो एंगल वन और एंगल थ्री 180 हो गया, ठीक है, अब बताओ एंगल वन क्या एंगल फाइव के बराबर होगा, एंगल वन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से होगा ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बताओ। अब इसको इक्वेशन वन और इसे इक्वेशन टू अज्यूम कर लो, और इक्वेशन वन और टू से हम वन के जगह फाइव पुट कर दे चलेगा, वन के जगह पे हम फाइव पुट कर दे। यस सर। तो हो गया ना प्रूफ, बोलो। एंगल फाइव प्लस एंगल थ्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आया तीनों थ्योरम? बताओ जी। एंगल वन की जगह एंगल फाइव क्यों, क्या एंगल वन की जगह एंगल फाइव क्यों लिखेंगे, यहाँ पे क्या मिला, एंगल वन इक्वल टू है तो हम वन के जगह पे फाइव नहीं लिख सकते हैं। हाँ।
बाकी बताओ, समझ में आया सबको? आयुषी चारों समझ में आया? तीनों? यस सर। शैली? यस सर। आयुष? यस सर। ठीक है, तो नंबर फोर्थ पर मूव करते हैं। चौथा है तीसरे का कन्वर्ट, इसका ये थर्ड का ये कन्वर्ट है। यहाँ पे पहले से 180 दे रखा है, तुमको क्या प्रूफ करना है कि दोनों पैरेलल होगा। गिवन में लिखो फटाफट, गिवन लिखो तो खुद से। गिवन के लिए जगह छोड़ दो, उसको बाद में लिख लेना, चलेगा? यहाँ पे मेंशन मत कर देना गिवन में कि ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइन एंड एल वन इज ट्रांसवर्सल, ये मत मेंशन कर देना। गिवन में लिख लेना कि ए बी एंड सी डी आर टू लाइन एंड एल वन इज द ट्रांसवर्सल विच इंटरसेक्ट ए बी एट एल एंड सी डी एट एम एज वेल एज एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल्स टू 180। ये पहले से क्या है तुमको? गिवन है। अब हमको क्या करना है, दोनों एंगल ये लाइन को पैरेलल प्रूव करना है। तो समझो, समझ गया ना गिवन में क्या लिखोगे? यस सर। जहां पे पैरेलल प्रूव करना है वहां पे पैरेलल कहीं भी मत लिख देना गिवन में, कि ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइन, ठीक है ना? तो टू प्रूव ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइन, ये हमको प्रूफ करके ये थर्ड का कन्वर्ज होता है। थ्योरम नंबर ये थर्ड का कन्वर्ज है। तो अब जैसे पैरेलल प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, किसी भी तरीके से करस्पॉन्डिंग एंगल हम इक्वल दिखा देंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल जैसे इक्वल आ जाएगा हम बोल देंगे लाइन क्या है, क्या लाइन पैरेलल है, ठीक है? अब देखो, तुमको पहले से क्या दे रखा है, एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू 180, तो इक्वेशन वन ले लो। हम यहाँ पे एक एंगल थ्री बना रहे हैं। अब देखो, एंगल वन प्लस एंगल थ्री भी कितना होगा, 180 होगा लीनियर पेयर से, बोलो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। एंगल वन प्लस एंगल टू या एंगल वन प्लस एंगल थ्री के बराबर होगा? एंगल वन कैंसिल, तो एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री। और एंगल टू और थ्री कैसा एंगल है डायग्राम के अकॉर्डिंग? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गया, तो लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ये छाप देना फिर से, द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसलिए लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी। बताओ समझ में आ रहा है सबको? आसान लग रहा है ना, ज्यादा हार्ड है नहीं, ठीक है? चार थ्योरम हो गया फिर डिस्कस, पांचवें पे चले। बताओ चारों में कहीं दिक्कत नहीं ना? नो सर। ठीक है, फिफ्थ नंबर देखते हैं। पहले ये बोल क्या रहा है उसको समझ लो। देखो क्या कहना चाहता है ये थ्योरम, किसी को पता चल रहा है, बताएगा कोई? स्टेटमेंट पढ़ के समझाओ मेरे को, कोई कोई भी ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट। बताओ कोई भी सर। दो एक पैरेलल लाइन दिया हुआ है जो ट्रांसवर्सल के इंटरसेक्ट,
और उसका जो बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ एंगल, तो उसका बाइसेक्टर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इक्वल मतलब पैरेलल होगा या नहीं? पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल का बाइसेक्टर समझना ध्यान से सकती, पहले स्टेटमेंट नहीं समझा तो कैसे काम चलेगा? दो पैरेलल लाइन है, इफ टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, देन बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, जो अल्टरनेट इंटीरियर कोई भी एक अल्टरनेट इंटीरियर ले लो, जैसे ये एंगल और ये एंगल ले लो, तो इसको जो बाइसेक्ट कर रहा है इन दोनों एंगल को, दोनों अल्टरनेट को जो बाइसेक्ट कर रहा है लाइन, जैसे ये लाइन और ये लाइन, इस अल्टरनेट एंगल को क्या किया है, बाइसेक्ट किया, तो हमको इसी दोनों को प्रूव करना है कि ये दोनों पैरेलल होगा। कुछ आया समझ में स्टेटमेंट? यस सर। ठीक है, इसमें पहले से तुमको दे रखा है पैरेलल लाइन, और ये बोला है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर है, एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, देखो इसमें कितने पेयर बनेंगे अल्टरनेट के, दो पेयर बनेंगे ना, बताओ, एक ये दोनों एंगल और एक पेयर ये बनेगा ना, तो कोई भी एक, तुम चाहे थे इसके इस वर्क को भी प्रूफ कर सकते थे, तो कोई भी एक पेयर का बाइसेक्ट करने वाला लाइन, कौन से, कोई भी अल्टरनेट एंगल के पेयर का बाइसेक्ट करने वाला लाइन भी पैरेलल होता है, ये अपने को प्रूफ करना है। समझ में आया स्टेटमेंट? पहले ये बताओ, बोलो गिवन में लिख लो फटाफट, खुद से लिखो गिवन, कि टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, एंड साथ ही साथ ऐसा लिख लेना, एल वन ट्रांसवर्सल कर लो, इंटरसेक्ट एल पे और पॉइंट एम पे, यहाँ पे इसको ले लो, क्या ले सकते हो, एक्स ले लो और ये वाई ले लो, गिवन में लिखो, हम ये कर रहे डिक्टेट कर रहे, गिवन में लिखो ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइन, इंटरसेक्ट ट्रांसवर्सल एल, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन एल, एट एल स्मॉल एल डालना या एल वन कर लो, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल एल वन एट पॉइंट एल एंड एम रेस्पेक्टिवली, एट पॉइंट एल एंड एम रेस्पेक्टिवली, एंड एंड एल वाई एंड एम एक्स, एंड एल वाई एंड एम एक्स आर द बाइसेक्टर ऑफ, आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एल एम, एंगल ए एल एम एंड एल एम डी, ए एल एम यही एंगल होगा ना पूरा का पूरा, एंड एल एम डी ये पूरा एंगल होगा, तो एल वाई एंड एम एक्स इन दोनों को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ये लिख लो, लिखा टू प्रूव में लिखो, अब क्या प्रूव करना है, तो एल वाई पैरेलल टू एम एक्स, क्या प्रूव करना है, एल वाई पैरेलल टू एम एक्स, समझो ध्यान से, इसको सेकेंड मान लेते हैं, ये थर्ड मान लेते हैं, इसको वन और ये देखो, ए बी और सी डी पहले से पैरेलल दे रखा है, लाइन ए बी लाइन सी डी पहले से पैरेलल है ना, क्योंकि लाइन ए बी पैरेलल है सी डी के, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसलिए क्या एंगल ए एल एम और एंगल एल एम डी इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर से, बताओ, होगा ना, ए एल एम ही एंगल है ना, ये पूरा का पूरा ये वाला एंगल, और एल एम डी
इसी एंगल को कहेंगे, तो ये दोनों इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर से। अब जैसे ही पूरा का पूरा एंगल इक्वल हो गया तो हाफ ऑफ एंगल ए एल एम और हाफ ऑफ एंगल एल एम डी नहीं इक्वल हो जाएगा, और हाफ ऑफ एंगल एम ए एल एम को हम एंगल टू लिख सकते हैं और हाफ ऑफ एंगल एल एम डी को एंगल थ्री लिख सकते हैं। बताओ एंगल टू और एंगल थ्री इक्वल हो गया, और एंगल टू और एंगल थ्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दिख रहा है किसी को? ऐसे समझो इस डायग्राम को, देखो हम ऐसा बनाते, ये हो गया और ये ऐसे आया और ये ऐसा आया, ये तुम्हारा वाई है, ये पॉइंट एल है, ये एम है, यहाँ पे एम है और ये तुम्हारा एक्स है। तो देखो तो हम ये टू लिख रहे हैं और ये थ्री लिख रहे हैं, तो क्या ये अल्टरनेट है? देखो तो जरा, है ना अल्टरनेट, और अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हो गया, तो अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हो गया तो दोनों लाइन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरेलल। नीचे स्टेटमेंट लिख लेना, दस टू लाइन एल वाई एंड एम एक्स आर आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल एल वन such that alternate interior angle angle 1 angle 2 equals to angle 3, kya ho gaya, such that angle 2 or angle 3 kya ho gaya, equal ho gaya, isliye ly parallel ho jayega, pata chala ya fir se bataye, samajh aa gaya sir? बाकी तीनों को यस सर, ये सब का प्रैक्टिस कर लेना एक बार अच्छे से, नहीं तो फिर भूल जाओगे। लेक्चर रिकॉर्डेड भी है, अगर एक बार नहीं समझ में आएगा तो वहां से लेक्चर जा करके देख लेना, तब भी नहीं समझ में आएगा तो फिर हमको बताना। कोई डाउट पाचो थ्योरम में, देख लो एक एक करके, फिर से सारा देख लो। पहला में क्या करना था, अल्टरनेट इक्वल दिखाना था, तो क्या किए थे, एंगल वन और एंगल सिक्स वर्टिकल अपोजिट से इक्वल कर दिए थे, और एंगल सिक्स और एंगल टू मेरा इक्वल होगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, वो एक एक्सियम है, क्या है, एक एक्सियम है। फिर दोनों इक्वेशन से क्या आ गया, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, तो एंगल वन ये है एंगल टू ये है, तो अल्टरनेट इंटीरियर हो गया ना दोनों इक्वल, पहला प्रूफ खत्म। दूसरा जस्ट उसका क्या था, कन्वर्स था, जिसमें अल्टरनेट तुमको इक्वल दे रखा था, अल्टरनेट क्या था, इक्वल दे रखा था तुमको, ये दोनों लाइन को पैरेलल प्रूफ करना था। तो एंगल थ्री और एंगल सेवन तुमको पहले से इक्वल दे रखा है, एंगल थ्री और एंगल वन हम क्या किए, वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल कर दिए, फिर दोनों इक्वेशन से क्या आ गया, एंगल सेवन इक्वल टू एंगल वन आ गया, और एंगल सेवन और एंगल वन कैसा है, इसमें corresponding angle है, तो corresponding angle equal हो गया, तो line क्या हो जाएगा, parallel हो जाएगा। सबसे आसान तो ये था supplementary proof करने वाला, है ना, कैसे, तो 1 और 3 का sum 180 क्योंकि linear pair है, और angle 1 और angle 5 बराबर है corresponding angle से, तो दोनों equation से हम 1 के जगह पे क्या put कर दिए, 5 put कर दिए, तो 5 plus 3 कितना आ गया, 180 आ गया। similarly equation theorem number 4 था, इसमें को इंटीरियर का सम 180 पहले से दे रखा था, हमको पैरेलल प्रूव करना था इस थ्योरम में, 1 प्लस 2 180, यहाँ पे 1 प्लस 3 180, दोनों इक्वेशन से क्या मिल गया, 1 प्लस 2 इक्वल टू 1 प्लस 3, 1 और 1 कैंसिल, तो 2 और 3 इक्वल आ गया, और 2 और 3 कैसा एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, तो लाइन क्या हो जाएगा,
समझ में आया पांचों? यस सर। यस सर। चलो सिक्स पे मूव करें। सिक्स फाइव की तरह ही है। फाइव में तुमने अल्टरनेट को पैरेलल किया ना, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर को पैरेलल करना है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? इसमें क्या करना है, सिक्स में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर को पैरेलल करना है। ध्यान दो, इसमें भी गिवन में लिखो फटाफट, जितना हम डिक्टेट करेंगे उससे अच्छा लिख दे क्या। ये M ले लो, इसको M ले लो, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर पैरेलल करना है। तो जैसे एंगल इसका बाइसेक्टर एक ले लेते हैं NX, और इसका बाइसेक्टर ले लेते हैं MY। इन दोनों को हमको पैरेलल करना है। गिवन में लिखो, फिर तो वही सब कहानी। AB and CD are two parallel lines. AB and CD are two parallel lines intersected by a transversal. Intersected by a transversal L1. L1 at N and M, such that and L and M and NX and MY is bisector of angle, यहाँ पे कुछ नाम दे दे रहे थे तो ये transversal का पूरा पूरी नाम दे देना, ई एंड एफ कर दो, ई एफ यहाँ पे एल वन के जगह पे ई एफ कर देना, ठीक है। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई एन बी एंड एम एम वाई, क्या प्रूफ करना है? तो ई एक्स एन एक्स पैरेलल टू एम वाई, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करके लाना है। तो जैसे इसको प्रूफ किए थे ना, सेम काम यहीं पे करना है। क्या हो जाएगा देखो, समझो सबको, ये पूरा एंगल इक्वल होगा कि नहीं, हाँ या ना, होगा ना? Yes, तो इसका अब ये लाइन बाइसेक्ट हो रहा है, तो इसको वन और टू कर दो, इसको थ्री एंड फोर कर दो। तो जब पूरा इक्वल है तो उसका आधा भी इक्वल होगा, तो आधा इक्वल हो गया, यानी एंगल वन और थ्री इक्वल आ जाएगा। और देखो तो एंगल वन और थ्री, डायग्राम को सेपरेट बना के देखो, ये एन एक्स और ये एम वाई, इनको थोड़ा हम पीछे ले ले रहे हैं, ऐसा आया। तो देखो ये एंगल वन है और ये एंगल थ्री है, इक्वल आया कि नहीं आया? और वन और थ्री कैसा एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो लाइन क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा ना पैरेलल। समझ में आया या नहीं आया बताओ? आया सर। यस सर। देख लो भाई, यस यस कर रहे हो, बाद में मत बोलना कि सर फिर से समझाइए, इसलिए कहीं भी डाउट है अभी पूछ लेना। तो प्रूफ में देखो, एंगल ई एन बी इक्वल टू एंगल एन एम वाई, क्यों? तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल इसका हाफ, हाफ ऑफ ई एन बी इक्वल टू हाफ ऑफ एन एम वाई, और इसको क्या लिख देना, एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री कर देना, और नीचे फिर वही लाइन लिख देना इसको, ठीक है। तो दिक्कत
नो सर, नो सर। पूछना है 6 नंबर थ्योरम तक तो पूछो, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। इधर का तो नहीं पता 1 2 3 4 का, लेकिन 5 और 6 डायरेक्ट स्टेटमेंट यही पूछ देता है। बाइसेक्टर ऑफ ट्रांस, बाइसेक्टर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल होता है, इसको प्रूफ करो, डायरेक्ट आएगा। बाइसेक्टर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पैरेलल होता है, इसको प्रूफ करो, एकदम सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो इसलिए डाउट होगा तो पूछ लेगा। नीचे यहाँ पे स्टेटमेंट खुद से लिख लेना, छोड़ दिया है इसमें, ठीक है। क्या है इफ द बाइसेक्टर ऑफ, कौन सा नंबर हम लोग अभी कर रहे थे, 6 ही ना, हाँ ठीक है। आगे करके आओगे, टाइम तो हो चुका है, हम एक 9 नंबर बता दे रहे हैं, 9 बहुत आसान है, बाकी 7 8 तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं, 7 8 खुद से करो। इसका थ्योरम दे रहे हैं तुम लोग को, बाकी आगे जितना भी थ्योरम आएगा सबका प्रूफ हम बताएंगे, इसमें बस 2 दे रहे हैं क्योंकि इसका प्रूफ बहुत आसान होता है, ठीक है। पैरेलल लाइन का प्रूफ आसान है, इसलिए 2 थ्योरम तुमको तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं, कल इस पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कल या परसों जल्दी। लाइंस विच आर पैरेलल टू गिवन लाइन पैरेलल टू ईच अदर, मतलब क्या है, जैसे समझो L1 है, L2 है एंड L3 है, तो गिवन में तुमको दे रखा है L1 parallel to L2 and L2 parallel to L3. तुमको प्रूव करना है, तुमको प्रूव करना है L1 parallel to L3. क्या करना है, L1 parallel to L3. तो क्या करना, एक corresponding line draw कर लेना, इसको L4 ले लेना, corresponding बोले ट्रांसवर्सल, ड्रॉ ट्रांसवर्सल L4 विच इंटरसेक्ट, यहाँ पे XYZ कर लेना, विच इंटरसेक्ट L1, L2 and L3 एट X, Y, Z respectively, ठीक है। प्रूफ देखो बहुत सिंपल है, बहुत देखो, L1, L2 पैरेलल था ना, अब एंगल हम मार्क कर रहे हैं, आप 1, 2 and 3, L1, L2 पैरेलल है तो क्या एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा corresponding से, इक्वेशन 1। L2, L3 पैरेलल है, L2 पैरेलल L3 है तो क्या एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग से, हाँ। अब दोनों इक्वेशन से देखो तो क्या एंगल 2 और 3 इक्वल आ गया, सॉरी एंगल 1 और 3 इक्वल आ जाएगा, बोलो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल आएगा, और एंगल 1 और एंगल 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है L1 और L3 के लिए, और एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गया तो L1 और L3 भी क्या हो जाएगा, हो जाएगा पैरेलल, बताओ। चलो तो इतने का फिर से प्रैक्टिस कर लेना सारे थ्योरम का, और जो थ्योरम हम नहीं आज कराए हैं उसको सॉल्व कर लेना खुद से, मैंने
सेवन एट बहुत ही आसान है, एट और भी आसान है। देखो एट तो हम ऐसे ही अभी रैंडम बता देते हैं। जैसे एट में क्या है, इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द गिवन टू पैरेलल लाइन, जैसे दो लाइन है, एक लाइन इस पे पैरेलल है, एल वन एल टू पहले से पैरेलल दे रखा है, एल वन और एल टू पैरेलल दे रखा है, तो ये जो लाइन है एल वन पे परपेंडिकुलर है, तुमको प्रूव करना है ये सेम लाइन इस पे भी परपेंडिकुलर होगा, तो इसको आगे एक्सटेंड करो, ये लाइन क्या आएगा, ये एंगल आएगा कि नहीं 90, बताओ। हो गया प्रूफ। एट तो बहुत आसान है, एक सेवन हम तुम लोग को खुद से करने दिए, इसको अच्छे से करके आना। समझ में आया ना थ्योरम एट? एक लाइन, दोनों लाइन पहले से पैरेलल दे रखा है, एल वन और एल टू पहले से पैरेलल दे रखा है, और ये जो तीसरा लाइन है एल थ्री, ये एल थ्री जो है एल वन पे परपेंडिकुलर है, तुमको प्रूव करना है कि एल थ्री जो है एल टू पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये यही तो लाइन है, ऐसा गया है ये लाइन, तो ये लाइन यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, तो इसको भी 90 बनाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पे, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा एंगल 90 डिग्री। तो ये दोनों थ्योरम को अपने कॉपी पे अच्छे से लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एंगल पैरेलल लाइन पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन का डिस्कस करना। कोई दिक्कत आज के लेक्चर में? नो सर। तो एक बार फिर से पूरा का पूरा अच्छे से लिख लेना, ताकि बाद में उसको मतलब भूल ना जाओ, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आज मेरे बोलने बोलने का दिन था, शुरू से हम ही बोलते गए हैं, नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा दिन रहेगा, तुमको क्वेश्चन कराएंगे हम इसमें और तुमको उसको सॉल्व करते चलना, ठीक है। हाँ जी सैली, कौन सा क्वेश्चन था तुम्हारा? सैली है ही नहीं क्या? भाग्य। चलो ठीक है, एंड करते, कुछ पूछना है तो पूछो दोनों। आयुषी? नो सर। नो सर। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो इनका जाके अच्छे से। आज से जो थ्योरम हम कराएंगे उसको सूरज जाके घर पे लिख लेना, नहीं तो भूल जाओगे। एक बार खुद से लिखना पड़ेगा तुम लोग को भी, तभी याद रहेगा। चलो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ इससे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Okay.